everyone, welcome at Achievers Academy, and this is Rashmi Sharma again with you with the video of chapter reproduction. This is very important chapter, और इस part में हम asexual reproduction के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि reproduction, ठीक है, what is the meaning of reproduction, right? How do organism reproduce? सबसे पहले तो ये बताओ कि ये process कितनी जरूरी है. क्या ये process एक organism के survival के लिए जरूरी है? Like other life process? नहीं, ये उस तरह से नहीं है. But even it is necessary, it is important. Why is it important? To keep continue the species. अब if you can imagine, if suppose there is no reproduction, right? Then what will happen? The life will come on an end, right? So for all organisms, all species, it is necessary to reproduce. अब as the word says reproduce means something which is produced again. Re means not again. अब इसका क्या मतलब हो? Like you know that suppose कोई भी organism ले लो, suppose dog, cat, monkey, right? Anything you can take, humans. अब if we say dogs, तो dog का जो बच्चा होगा वो क्या होगा? Dog ही होगा. कैट का भी कैट होगा. उसी तरह से जो लाइन है, लाइन का लाइन होगा, ह्यूमन का ह्यूमन होगा. तो क्या होता है ये जो रिप्रोडक्शन मींस फिर से प्रोड्यूस करना ऑफ इट्स ओन काइंड, दैट इज व्हाट रिप्रोडक्शन, राइट? सो सी द डेफिनेशन. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड, राइट? जो अपने ही तरह का एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, इसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, राइट? तो अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग बनाना, दैट इज रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन तो होता है, ठीक है, सब में होता है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, व्हाटएवर. तो किस तरह से होता है? अब नाउ यू विल सी हाउ इट डज इट टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट? अब हम देखते हैं कि कितने तरह का होता है. दो प्रकार का होता है. वन इज एसेक्सुअल, वन इज सेक्सुअल, ठीक है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. अब एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो सेक्सुअल में ए लग गया, इट बिकम्स एसेक्सुअल. मीनिंग क्या है? एसेक्सुअल मीन्स इसमें सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है. इसमें यहां पर दो इंडिविजुअल नहीं होते हैं. एक ही इंडिविजुअल अपना जैसा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है. यहां पर क्या है, सेक्सुअल में टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, वन मेल एंड वन फीमेल. तो ये एक इसका बेसिक डिफरेंस हुआ एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में. सो हियर सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व, हियर टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल. नेक्स्ट इज इट अकर्स एट फास्टेस्ट रेट. अब देखो जब सिंगल इंडिविजुअल का है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अमीबा का हम एग्जाम्पल लें, तो उसका क्या है, अमीबा जैसी ही दूसरी कॉपी बनना है, तो ठीक है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, बन गई थी. इट डज नॉट टेक मच टाइम एंड इवन इट डज नॉट टेक मोर एनर्जी. सो इट टेक्स प्लेस इन लेस टाइम एंड लेस एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस. इस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए. लेकिन वहीं पर जहां दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर क्या होता है, इट टेक्स मोर टाइम एंड मोर एनर्जी, राइट? सेकेंड, नेक्स्ट इज इट अकर्स एट फास्टेस्ट रेट. अब सीधी सी बात है, जब यहां पर ज्यादा कुछ होना ही नहीं है, सीधे सीधे एक सेल कॉपी हो जाना है और दूसरी सेल बन जानी है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. लेकिन यदि हम कंपेरेटिवली देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इट अकर्स कंपेरेटिवली एट स्लोअर रेट. ये थोड़ा स्लो होता है इन कंपेरिजन ऑफ द एसेक्सुअल, राइट? यहां पर लेस वेरिएशन का कारण ये है, इन इंडिविजुअल एक है तो सिंगल इंडिविजुअल ने प्रोड्यूस किया और उसने अपना जैसा ऑर्गेनिज्म बनाया, कॉपी की, तो वेरिएशन नहीं होगी ज्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होते हैं, नॉट मच वेरिएशन. अब यहां पर क्या है, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल. तो दो ऑर्गेनिज्म मिल करके जब एक प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ करेक्टर्स मेल से आएंगे, कुछ करेक्टर्स फीमेल से आएंगे, और फिर वो
चेंज होंगे. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि इफ यू सी योर सेल्फ हाउ मच यू रिजेंबल टू योर फादर एंड हाउ मच यू रिजेंबल टू योर मदर, यू माइट बी हैविंग सम फीचर्स रिजेंबलिंग विद फादर, सम माइट बी हैविंग विद मदर और माइट बी नॉट. तो इट डिपेंड्स कि कितने फीचर्स आपने इनहेरिट किए अपने पेरेंट्स से एंड आर यू मोस्ट मोर रिजेंबलिंग देन फादर विद फादर देन मदर और विद मदर देन फादर. इट ऑल डिपेंड्स. लेकिन क्या होता है कि वेरिएशन आते हैं. दूसरा दो मेल जो है वो एक अलग फैमिली से, फीमेल एक अलग फैमिली से, तो जीन्स ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन. तो यहां पर वेरिएशन बहुत हो जाते हैं, यहां पर वेरिएशन बहुत कम होते हैं. ठीक है. एंड बिकॉज वेरिएशन ही नहीं है तो इट डज नॉट लीड टू द इवोल्यूशन. यहां पर इवोल्यूशन के चांसेस भी लेस रहते हैं, बहुत कम रहते हैं. लेकिन यहां पर क्या है, इट लीड्स टू इवोल्यूशन. यहां पर इवोल्यूशन के चांसेस होते हैं. क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएशंस ज्यादा है. राइट. तो इस तरह से इसको लर्न कर लेना व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. राइट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इनका इन्वॉल्वमेंट होता है. ये कितने तरह का होता है, ये होता है आपका फ्यूजन होता है, देन बडिंग होता है, देन रिजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे क्या आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं. अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फिजन. फिजन में क्या है, ये आपका बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. पहला है बाइनरी फिजन, सेकेंड है मल्टीपल फिजन. इसमें करना क्या है, देखो होता क्या है इसमें, अमीबा, अमीबा एक सिंगल सेल होता है और वो सिंगल सेल से दो डॉटर न्यूक्लियर प्रोड्यूस करता है. उसका जो रिप्रोडक्शन होता है फ्रॉम सिंगल सेल टू डॉटर न्यूक्लियर डेवलप्स. कैसे होता है देखो, ये एक अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया. अब क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा. ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, न्यूक्लियस स्ट्रेच करेगा. फिर क्या होगा, न्यूक्लियस तो स्ट्रेच कर रहा है, साथ में साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा कंडेंस होना शुरू होगा. ये इस तरह से करके सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर कॉन्स्ट्रक्ट करेगी. राइट. अब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ हो रही है, फिर क्या होगा, इन द नेक्स्ट ये यू कैन सी बहुत हल्का सा दोनों अटैच रह गए, अदरवाइज दे टू आर डिवाइडेड, यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड हो चुके हैं. और ये दो देखो, दोनों न्यूक्लियस अंदर आ गए हैं इनके, और ये कंप्लीट सेल की तरह से डेवलप हो चुकी है यहाँ पर. और फिर ये क्या होगा, दीज आर दीज ब्रेक इनटू द टू डॉटर न्यूक्लियर. तो ये आपके टू डॉटर सेल्स और टू डॉटर न्यूक्लियर रहते हैं. तो क्या हुआ, बाइनरी फ्यूजन. बाय मीन्स टू मीन्स व्हेन द समथिंग ब्रेक्स इनटू टू पीसेस. राइट. फ्यूजन मीन्स ब्रेकअप. एक और चीज है, फ्यूजन और फ्यूजन दो टर्म होती है. फ्यूजन मीन समथिंग कंबाइनिंग, ज्वाइनिंग इज फ्यूजन, ब्रेकिंग इज फ्यूजन. राइट. रिमेंबर देन इट इज मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम. अब हमें एक और एग्जाम्पल है जो कि मल्टीपल फ्यूजन का है. यहाँ पर देखो, ये प्लाज्मोडियम है, सिंगल प्लाज्मोडियम सेल है. और ये क्या है, जब ये इसको रिप्रोड्यूस करना होता है ना, तो एक सिस्ट जैसे फॉर्म कर लेती है, प्रोटेक्टिव वॉल. ठीक है. और ये अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेल्स. राइट. रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, बट कब रिलीज करते हैं अपने डॉटर न्यूक्लियस को, इन द फेवरेबल कंडीशंस. ठीक है. तो ये इसमें से ध्यान देने वाली बात है, ये जो डॉटर न्यूक्लियस है, देख सकते हो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुए हैं. फिर क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन क्या हुआ, ये सिस्ट देखो, ये सिस्ट ब्रेक कर रही है और ये डॉटर न्यूक्लियस सारे के सारे अलग हो जाते हैं. इन दिस वे मल्टीपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम. राइट. एंड जैसे ये बाइनरी फ्यूजन अमीबा में है, इसमें किसी भी प्लेन में हो सकता है, इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी प्लेन. लेकिन जो आपका लिश्मानिया है, विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ काला अजार, ठीक है, उसमें केवल एक ही प्लेन में रिप्रोडक्शन होता है, उसमें भी फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, बट ओनली वन प्लेन. अब हम बडिंग की बात करते हैं. बडिंग का मतलब क्या होता है, कि बर्ड अराइज करती है. राइट. बर्ड, बडिंग मीन्स बर्ड इज अराइजिंग. तो इसके दो एग्जाम्पल हैं आपको, एक है बडिंग इन हाइड्रा, एक है बडिंग इन ईस्ट. राइट. दोनों में लेकिन डिफरेंसेस है. देखो हाइड्रा में किस तरह होता है, ये हाइड्रा है आपका, ठीक है, ये पैरेंट हाइड्रा है. तो पैरेंट हाइड्रा में क्या होता है, ये नीचे से ही पास में एक आउटग्रोथ जैसे, एक हल्की सी एक बर्ड जैसी निकलती है, ठीक है, ये बर्ड जो एक आउटग्रोथ निकलती है और ये आउटग्रोथ बाद में एक बर्ड के रूप में ये डेवलप कर जाती है. देख लो, ये आउटग्रोथ निकली, ये फिर बर्ड बन गई और फिर बाद में ये मल्टीप्लाई करके
और ये कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, लेकिन अभी अटैच है। जब ये फुल्ली ग्रो हो गया है, अब क्या होगा, इट विल डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पैरेंट हाइड्रा। ये पैरेंट हाइड्रा है और ये डॉटर हाइड्रा है, तो ये अपने को अलग कर लेगा, राइट। ये तो हो गया आपका बडिंग इन ईस्ट, हाइड्रा में बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में होता है रिजनरेटेड सेल्स होते हैं, तो ये रिजनरेट भी कर सकता है। एंड बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट सेल है, ये ईस्ट सेल होती है, ये इसमें भी सिंगल सेल है, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या होता है, एक बड जैसी निकलती है, किसी भी एक साइड में बड जैसी निकलेगी, बट मीन्स इस तरह से करके ग्रोथ निकलेगी, आउटग्रोथ। और उस आउटग्रोथ में क्या होगा, ये न्यूक्लियस इसका जो है न्यूक्लियस स्ट्रेच करेगा और ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, एक पार्ट रह जाएगा आपका बड के अंदर जो डेवलपिंग बड है, और दूसरा पार्ट रहेगा न्यूक्लियस इसके अंदर सेल के अंदर। फिर क्या होगा, ये एक न्यू बड बन जाएगी, जो कि अब यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन हो गया, न्यू बड बन गई है। और कई बार देखने को मिलता है कि इसके ऊपर एक के ऊपर एक कई सारी चेन्स बन जाती है बड्स की, तो ये हो गया आपका बडिंग इन ईस्ट। नाउ सी अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन हैपेंस इन केस ऑफ स्पाइरोवेरा। यू नो स्पाइरोवेरा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट इज मल्टी सेलुलर। सो रिमेंबर दैट फ्रेगमेंटेशन अक्कर्स इन स्पाइरोवेरा व्हिच इज मल्टी सेलुलर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी मल्टी सेलुलर में फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या है, ये प्रोसेस देखो क्या है कि ये स्पाइरोवेरा है और इसके पीसेस में ही कट हो जाता है, राइट। व्हेन इट अटेन्स सम मैच्योरेशन इट ब्रेक्स अप इनटू द पीसेस, पीसेस में ब्रेक हो गया और हर पीस एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। तो अब ये इसमें तो पॉसिबल है, लेकिन उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जिसमें ऑर्गन लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, उसमें पॉसिबल नहीं है, राइट। सो इट हैपेंस ओनली इन स्पाइरोवेरा कि बॉडी ब्रेक्स अप इनटू फ्रेगमेंट्स, ये क्या कहलाते हैं, फ्रेगमेंट्स, और ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू स्पाइरोवेरा। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जाम्पल जो है आपका, एक तो प्लेनेरिया है एंड इन हाइड्रा ऑल्सो इट हैपन। इन बहुत रीजनरेशन का मतलब क्या था, समथिंग रीजनरेटेड। ये केवल एक रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के सेंस में नहीं है। इफ यू हैव सीन लिजर्ड एनीटाइम, कभी क्या होता है लिजर्ड की आप देखो कि पूंछ कट जाती है, उसकी टेल कट जाती है, तो जब पूंछ कटती है तो क्या होता है, नई पूंछ डेवलप हो जाती है, मींस उसके अंदर कुछ रीजनरेटेड सेल्स होती हैं जो फिर से एक नई पूंछ को बना लेती है। तो रीजनरेशन बेसिकली किसी भी लाइक ऑर्गेनिज्म में जो होता है, तो उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, वो सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि दे गिव अप अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दे प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसा हमने देखा लिजर्ड के केस में कि एक पार्ट उसका डेवलप कर गया, लेकिन जैसे प्लेनेरिया है, अब यदि किसी वजह से, यहां तो स्पाइरोवेरा ने देखा वो इट कट्स इनटू पीसेस एंड ऑन मैच्योरेशन, लेकिन इसके केस में क्या होता है कि सपोज किसी वजह से इफ बॉडी कट्स इनटू पीसेस, यहां पर प्लेनेरिया है, इफ प्लेनेरिया बॉडी इज कट इनटू थ्री पीसेस, यू कैन सी हियर, देन ईच पीस is growing into a new planaria, है ना surprising? किसी भी species ने एक नया organism बनाया, इसने दूसरा organism बनाया और इसने तीसरा organism बनाया। तो ये हुआ कि किस तरह से इन्होंने अपनी body को फिर से produce कर लिया। This is because of the regeneration, कि इनके अंदर वो cells है, regenerative cells है, और वो cells एक कटे हुए पीस को, एक कट पीस को एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ रीजनरेट अ न्यू बॉडी फ्रॉम अ कट पीस एंड देन दे ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, राइट। नाउ सी इट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ राइजोपस। ठीक है, राइजोपस में क्या होता है, ये दिस इज अ राइजोपस, क्लियर।
इसमें क्या होता है ये देखो, ये इसका होता है हाइफा और ये होता है इसका स्पोरेंजियम और ये होते हैं इसके स्पोर्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटमस होता है ये हाइफा के थ्रू किसी भी स्ट्रैटम, ये स्ट्रैटम हो गया, एक बेस हो गया जो ये कहीं पर भी अटैच हो जाता है। ठीक, अब ये इसके फिलामेंट्स हैं, राइट, और ये इसके स्पोरेंजियम है। ये ब्लॉक टाइप के स्ट्रक्चर होता है, नॉन टाइप स्ट्रक्चर होता है और ये हर एक हाइफा के ऊपर एक स्ट्रक्चर देख सकते हो ये फिलामेंट पर, और इसके अंदर ये कंटेन करता है स्पोर्स। तो होता क्या है कि जब ये स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, मींस स्पोरेंजियम प्रॉपरली डेवलप हो जाता है एंड देन फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है और स्पोर्स कम आउट। फिर ये क्या होता है, ये स्पोर्स कहीं भी जाकर के एक नया बेस ढूंढते हैं, वहां पर ये ग्रो कर जाते हैं, राइट। दिस इज अबाउट द राइजोफर्स। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये क्या है, प्लांट्स में प्लांट्स दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक तो होता है इनका नेचुरल और एक होता है इनका आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन और नेचुरल प्रोपगेशन। तो होता क्या है बेसिकली, इफ यू सी द वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो यू कैन सी इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ जिंजर, अनियन, पोटैटो एंड पैराफाइलम लीफ। यह है नेचुरल, हाउ द नेचुरली अ प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग प्लांट, राइट। यहां पर सीड्स नहीं डाले, उसी प्लांट से, लाइक सपोज जिंजर, जिंजर पे यू कैन सी दैट ये इंटरनोड्स अपीयर कर रहे हैं और इस तरह से एक न्यू शूट की तरह ये डेवलप कर जा रहा है और ये जो न्यू शूट है इसको जब आप कहीं पर सॉइल में दबा दोगे तो ये नया प्लांट बन जाएगा। उसी तरह से अनियन, अनियन बल्ब, ये अनियन बल्ब होता है, इसके भी ये न्यू शूट्स आ जाते हैं, इनको आप लेकर के यदि एक बार आप सॉइल में इसको सो कर दोगे इट विल ग्रो एज अ न्यू प्लांट। इन द सेम वे पोटैटो, यदि आप घर में भी देखते होंगे पोटैटो कुछ दिन पुराने हो जाते हैं तो उन पर कुछ आइस जैसे दिखती है ये, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पोटैटो आइस। और फिर ये जब डेवलप कर रहे थे कई बार होता है कि और आपने पड़ा रह गया उसको ऐसे रखा रह गया तो ये ऐसे न्यू शूट जैसे इसमें बन जाता है, शूट निकल आती है, उसको जब आप गाड़ दोगे फिर से एक नया प्लांट बन जाएगा। ये पैराफाइलम लीफ है, इसमें भी इस तरह से बर्ड्स जैसे स्ट्रक्चर निकल आते हैं और ये बर्ड्स को ये क्या होता है जब मैच्योर जाएगी गिर जाएगी और ये सॉइल में जहां भी फिक्स होगी वहां पर एक नया प्लांट ग्रो कर देगी। तो ये तो हो गया आपका नेचुरल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल में थ्री टाइप से होता है ये, वन इज कटिंग, वन इज लेयरिंग एंड वन इज ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये होता है आपका आर्टिफिशियल कि थ्री टाइप्स होता है। कटिंग में क्या होता है, लाइक आप मैंगो गोवा किसी भी कटिंग लेकर के आपने उसको सो कर दिया और एक न्यू प्लांट ये डेवलप कर जाता है, कोई भी स्टेम रूट किसी भी चीज की कटिंग से डेवलप करने की कैपेबिलिटी होती है प्लांट में, तो जिन प्लांट्स में कैपेबिलिटी होती है उससे कटिंग से हो जाता है। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में कुछ इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, लाइक सपोज यहां दिखाती हूँ आप लोगों में, लेयरिंग में देखो सपोज यहां पर एक प्लांट है, राइट, ये प्लांट है इसकी एक आपने स्टेम एक ब्रांच को लिया इस तरह से करके उसको आपने यहां पर टाइट कर दिया और यहां पर आपने कुछ प्लास्टिक या कुछ कपड़ा वगैरह लेकर बांध दिया, कुछ समय बाद यहीं से रूट्स डेवलप हो जाएंगे, राइट। और ये जो रूट्स डेवलप होंगी यहां से आप इसको कट कर लोगे एंड देन दे कैन ग्रो एज अ न्यू प्लांट। ये हो गया आपका मेथड दैट इज कॉल्ड लेयरिंग, राइट। अब ग्राफ्टिंग, सॉरी ग्राफ्टिंग क्या होता है, इट इज नॉट ग्राफ्टिंग में क्या होता है,
कई बार क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैंगो के टू ट्रीज यू हैव, और उसमें क्या है, एक में तो बहुत अच्छे मैंगो आते हैं, उनका सीड्स भी कम होता है, लाइक एंड इट्स वेरी स्वीट इन टेस्ट, सब कुछ अच्छा है, बट जल्दी उसमें कीड़ा लग जाता है, जल्दी बीमार हो जाता है, तो क्या उसकी इम्यूनिटी कम है, उसमें स्ट्रेंथ कम है ना। दूसरा पेड़ है वो बड़े आराम से रहता है लेकिन उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है। अब आप चाहते हो कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम एक पेड़ में ले आए, राइट, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक प्लांट को इस तरह से कट करते हैं, यानी हमें इस प्लांट पे हमें ग्रो करना है जिसके अंदर सारी क्वालिटीज अच्छी है, उस पर हमें दूसरा प्लांट जो लेना है, जैसे मैं आपको ऐसे दिखाती हूं, लाइक वन प्लांट इज दिस वन, ठीक है, एंड सेकेंड वन आई एम शोइंग यू दिस रेड वन। अब क्या हो, हमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे का बेस लेंगे एक प्लांट का, ठीक है, और ऊपर का टॉप लेंगे हम अनदर प्लांट का, और हम इस तरह से उसको जोड़ेंगे कि वो आपस में पूरी तरह मिल जाए, वहां कोई दिक्कत ना आए, कोई स्पेस ना बचे, एक के ऊपर एक वो फिक्स हो जाना चाहिए, मीन्स ऑल द टिश्यूज शुड मीन्स टाइट टूगेदर, और इसको हम टाइट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्लोज, आप इसको किसी क्लोज से किसी से ऐसे करके टाइट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ समय बाद ये फिक्स हो जाएगा और फिर ये नया पेड़ बन जाएगा जिसमें आपके दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ये हो गया आपका अबाउट ग्राफ्टिंग, तो ये सारे हमारे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन।